Now, children, let's move on to the next chapter, which is chapter number twenty-five, and the name is Brave Athletes. So here we are going to learn about some brave athletes. Do you know these true champions? क्या यहाँ पे कुछ champions के name दिए pictures दी, दी गई हैं उनके बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं क्या आपको पता है ये कौन है

इन्होंने बेसबॉल खेला लेकिन इनके पास राइट हैंड नहीं था ये बिना राइट हैंड के बॉर्न हुए थे ही वॉज ऑनर्ड एज अ यूनाइटेड स्टेट्स फ्लैग बेयर इन्हें जो है एक उपाधि दी गई थी और उसका क्या नाम था यूनाइटेड स्टेट्स फ्लैग बेयर एट द पैन अमेरिकन गेम्स जो पैन अमेरिकन गेम्स थे उन्हें उसमें इन्हें जो है ऑनर किया गया था एंड ही इज़ जेम अबॉट एंड इज द पिक्चर नाउ सेकेंड वन इज पैरालाइज विथ पोलियो ये जो पर्सन है ये पोलियो से पैरालाइज थी एंड शी वॉज अ चाइल्ड जब वो बच्ची थी शी प्रूव दैट वन कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड सक्सीड थ्रू करेज इन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुसीबत ऑब्स्टेकल मीन्स मुसीबत का सामना किया जा सकता है सक्सीड किया जा सकता है कर से अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की हिम्मत है तो आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं एंड डिटर्मिनेशन और आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प होना चाहिए काम करने का हर 1960 सिक्सटी ओलंपिक्स परफॉर्मेंस वॉज वेरी वेल शी वन थ्री गोल्ड मेडल्स नाइनटीन का जो ओलंपिक्स था ओलंपिक्स परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था रिमेन्स अ आउट परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स और ये जो परफॉर्मेंस थी इन जो ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इसका नाम आज भी लिया जाता है एंड शी इज विल्मा रुडोल्फ नेक्स्ट थर्ड वन इज ओवरकमिंग हर लॉस औ विजन ड्यू टू स्टार गैर डिजीज शी रिप्रजेंटेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द फिफ्टीन हंड्रेड मीटर ट्रैक इवेंट एट द टू थाउजेंड ओलम्पिक्स तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी इनकी जो आँखों की रोशनी थी वो जा चुकी थी लॉस ऑफ विजन मीन्स इनकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी और बीमा ये बीमारी थी जिसका नाम था स्टारगेट ये एक डिजीज़ थी जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जा चुकी थी उसके बाद भी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के फिफ्टीन हंड्रेड मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था 2000 थाउजेंड में शी बिकेम द फर्स्ट लीगली ब्लाइंड एथलीट ये पहली लीगली ब्लाइंड एथलीट थी टू कम्पीट इन ओलंपिक्स जिन्होंने ओलंपिक्स में कंपीट किया था हर नेम इज मार्ला दो ही वॉज बॉर्न विदाउट वन ऑफ हिज लेग ये जो पर्सन है ये बिना एक लेग के पैदा हुए थे ही इज वन ऑफ द टॉप डिजन रेस्लर्स इन दूनाइटेड स्टेट ये टॉप रेस्लर्स में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ही वन दू था एन सी ए इंडिविजुअल रेसलिंग चैंपियनशिप इन्होंने एनसी इंडिविजुअल रेसलिंग चैंपियनशिप जीती थी ही ऑल्सो रोट अ बुक कॉल अनस्टॉपेबल इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनस्टॉपेबल फ्रॉम अंडर अंडर डॉग टू ये इनकी बुक का नाम है हाउ आई बिकेम अ चैम्पियन सो यू कैन रीड दिस बुक इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड ही इज एंटनी

चलती हुई ट्रेन से इन्हें धक्का मार दिया था किसने चोरों ने 2011 में वन ऑफ हर लेग्स हैड टू बी एम्प्यूटेड बिलो द नीज तो नी के नीचे का जो उनका एक पैर है उसे एम्प्यूट मीन्स नकली पैर लगाया गया उसकी जगह पे वो पैर हटाना पड़ा उतना शी इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ये पहली फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी एंड शी इज अरुणिमा सिन्हा सिमिलरली सिक्स वन हर राइट हैंड एंड लोअर लिम्स आर पैरलाइज ड्यू टू पोलियो इनका जो राइट right हैंड है और जो नीचे के जो लिम्स हैं वो सब पैरालाइज हो गए थे पोलियो की वजह से मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू स्टैंड और वॉक दिस की वजह से न ही खड़ी हो पा रही थी और ना ही चल पा रही थी हाव एवर शी इज अ फोर टाइम विनर ऑफ वुमेन टाइटल ऑफ़ आई पी सी ए वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैम्पियनशिप तो ये क्या है ये चेस चैम्पियन हैं जिन्होंने तीन चार बार जो है विनर रह चुकी हैं इस की शिपियन शी इज़ जे जेनिटा एंटो सॉरी के जेनिटा एंटो सो चिल्ड्रेन आई होप यू हैव लर्न मेनी थिंग्स हियर